हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ शिनको के लेटेस्ट लॉन्च SO43AS टीवी का, जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ये आता है विद बिल्ट इन एलेक्सा फॉर स्मार्ट वॉइस कंट्रोल। अब इस टीवी के बारे में मैं और कुछ कहूं और वीडियो को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आप खुद से एक बार टीवी की वीडियो क्वालिटी को चेक कर लीजिए और इस पर एक वीडियो हम प्ले कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और करते हैं इस टीवी का रिव्यू। एडजस्टेबल शॉकर्स हैं तो ये अपलिफ्ट हो सकते हैं, जिससे जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो एडजस्ट हो सकता है, जिससे आप किसी भी तरह की रोड पे इसको आराम से चला सकते हैं। तो फर्स्ट लुक में ये जो टीवी है काफी स्लीक डिजाइन का लगता है, देखने में स्टाइलिश है। यहाँ पर सेंटर पे आपको शिनको की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और फिलहाल ये टीवी मैंने टेबल स्टैंड पर लगाया हुआ है और जो इसका टेबल स्टैंड है, इसकी क्वालिटी की मैं अगर बात करूं तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है और जो इसकी क्वालिटी है वो एवरेज क्वालिटी के प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं टीवी के बैक साइड पर दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं, 3 HDMI पोर्ट्स हैं और एक ऑडियो जैक है। वहीं यहाँ नीचे की तरफ एक एंटीना जैक है, AVN है, LAN पोर्ट है एंड ऑप्टिकल इन पोर्ट है। वहीं टीवी के लेफ्ट साइड पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप टीवी को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं टीवी के रिमोट की, तो ये एक अच्छी बात लगी कि मुझे जो टीवी का रिमोट है वो काफी ज्यादा हैंडी बनाया गया है, ज्यादा बटन इस पर नहीं दिए गए हैं। सबसे टॉप पर यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलता है, म्यूट बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन है, नेविगेशन कीज है, इसके अलावा ये माउस बटन है जिसे आप प्रेस करके अपने टीवी को कर्सर की हेल्प से कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बैक बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, जिनके बीच में आपको एलेक्सा की दिखाई देती है जो कि इस टीवी का मेन फीचर भी है। वहीं यहाँ पर आपको होम बटन देखने को मिलता है, मेन्यू की है, इसी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी लिव की होट कीज रिमोट पर दी गई हैं। चलिए टीवी का एक एलेक्सा टेस्ट भी कर लेते हैं और उसके लिए मुझे टीवी के बैक साइड में USB पोर्ट में ये डिवाइस लगानी होगी जो कि टीवी के साथ ही आपको मिलती है और एक प्रोसेस है इसका बहुत लंबा सा, उसके लिए आपको टीवी के एलेक्सा ऐप पर जाना पड़ेगा और अपने फ़ोन पर भी एलेक्सा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं ये लगाता हूँ और उसके बाद हम इसका एलेक्सा टेस्ट करते हैं। Hey Alexa, what's the temperature now? Right now, it's 17 degrees Celsius. Tonight, expect a low of 9 degrees. Hey Alexa, play some Bollywood song. Hear a Bollywood song song by Gaana from Gaana. सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो टीवी पर फुल HD डिस्प्ले दी गई है, इसी के साथ इसमें HRDP टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे कि आपको जो कलर्स हैं, पिक्चर है, वो डेप्थ के साथ फाइन ग्रेडेशन मिलती है। और वहीं इसमें क्वांटम यूनिट टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिससे कि RGB कलर जो है टीवी के डिस्प्ले पर वो थोड़े एनहेंस होकर आपको नज़र आते हैं। खैर, ये तो स्पेसिफिकेशन वाइज बात थी, लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, तो जो इस टीवी का प्राइस रखा गया है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसके हिसाब से जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे डिसेंट लगी। कमिंग टू द हार्डवेयर पार्ट, तो टीवी में क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसके साथ ही इसमें एंड्रॉइड 8 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। टीवी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है UI यूनिवॉल और इसी के साथ इसमें 1GB रैम के साथ 8GB रोम दी गई है। OS का इंटरफेस आज के बाकी टीवीज के हिसाब से आउटडेटेड फील होता है और कहीं कहीं पर मुझे इसकी प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो लगती है। आपको कभी कभी चलाते हुए टीवी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये हैंग तो नहीं हो गया है, लेकिन वो इसकी नॉर्मल प्रोसेसिंग स्पीड है और वो इस वजह से है क्योंकि इसकी जो रैम है वो केवल 1GB दी गई है, जो कि 1.5 या फिर 2GB हो सकती थी। ऐप्स की मैं बात करूं तो एक चीज़ जिसने मुझे इस टीवी में डिसअपॉइंट किया वो ये है कि इसमें YouTube जैसी ऐप भी आपको प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जिन ऐप्स के हॉटकीज आपको रिमोट कंट्रोल पर दी गई हैं वो ऐप्स भी आपको अलग से ही इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। टीवी की एक खास ऐप है eShare, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को टीवी पर इजीली मिरर कर पाएंगे, चाहे आपके पास iOS स्मार्टफोन हो या फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, और इसी ऐप के जरिए आप अपने स्मार्टफोन को एज अ रिमोट कंट्रोलर यूज भी कर सकते हैं। अगर एक और प्रॉब्लम जो मुझे इस टीवी में फेस हुई है वो ये है कि इसकी जो मेन्यू की है वो होम पेज पर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। देखिए, ये इसकी मेन्यू की है और मैं इसको बार बार प्रेस करूंगा तो टीवी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये आप अगर HDMI या फिर कोई दूसरे सोर्स से टीवी देख रहे होंगे तो तभी इस की को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आप OTTs पर, YouTube पर ब्राइटनेस वगैरह टीवी की कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं ऑडियो की, तो ऑडियो के लिए टीवी में नीचे की तरफ दो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि 20 वाट के हैं और जिनसे जो ऑडियो आउटपुट है वो डिसेंट आता है, उसमें कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। आते हैं अवेलेबिलिटी और प्राइस पर, तो
ये जो टीवी है ये आपको अमेजन की रिपब्लिक डे सेल पर खरीदने को मिल जाएगा। वैसे तो इसकी जो कीमत है वो है 21,999 रुपये, लेकिन अमेजन रिपब्लिक डे सेल पर ये आपको 19,999 रुपये मिल जाएगा। और ये जो सेल है ये 19 जनवरी से प्राइम यूज़र्स के लिए शुरू है और बाकी यूज़र्स के लिए ये 20 जनवरी से शुरू है, तो वहाँ पर जाकर आप शिनको का ये टीवी खरीद सकते हैं। और ये था शिनको के इस लेटेस्ट प्रोडक्ट का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या आप ये शिनको का जो टीवी है इसको अमेज़न सेल से खरीदने वाले हैं या नहीं। आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए टेक तक।